नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगले शुक्रवार का इंतजार कीजिए। क्या पता आम लोगों का भी इनकम टैक्स कम हो जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाए। वित्त मंत्री जिस तरह से शुक्रवार को अपना नया बजट पेश करती जा रही हैं, राहतों का ऐलान कर रही हैं, उसमें अब कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। आखिर कॉरपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन एक लाख पैंतालीस हजार का अपना घाटा उठाकर करों में छूट दे देगी, और इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने जुलाई में अपना बजट पेश किया था, जो अब काफी पीछे छूट चुका है। 20 सितंबर की सुबह ऐलान हुआ कि सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 को बदल दिया है। इसके अनुसार भारतीय कंपनियों को दो में से एक विकल्प चुनने का मौका दिया गया है। कंपनियों को 22% का इनकम टैक्स का विकल्प चुनना होगा। ये तभी मिलेगा जब कंपनियां बाकी छूट और प्रोत्साहन का लाभ छोड़ देंगी। इस लिहाज से ऐसी कंपनियों को प्रभावी रूप से 25.17% ही टैक्स देना होगा। मेक इन इंडिया की गाड़ी को धक्का देने के लिए भी टैक्स घटाए गए हैं। 1 अक्टूबर 2019 के बाद नए निवेश करने पर 15% टैक्स लगेगा। यह लाभ उसे ही मिलेगा जो किसी प्रकार का छूट या प्रोत्साहन नहीं लेगा। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग पर प्रभावी रूप से टैक्स 17.01% हो जाएगा। अगर कोई कंपनी छूट या प्रोत्साहन राशि नहीं छोड़ना चाहती है तो वह पुराने दरों से टैक्स देती रहेगी। टैक्स हॉलिडे खत्म होने के बाद चाहे तो वो कंपनी नए इनकम टैक्स का विकल्प चुन सकती है, लेकिन ऐसी कंपनियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है। यह एक किस्म का एडवांस टैक्स होता है। कई बार कंपनियां टैक्स छूट के लिए तरह तरह के तरीके अपनाती हैं, जिससे बचने के लिए सरकार एक न्यूनतम राशि तय कर देती है कि इतना टैक्स एडवांस तो देना ही पड़ेगा, ताकि कंपनियां जीरो टैक्स का जुगाड़ ना कर पाए। आज 22% और 15% इनकम टैक्स देने वालों के लिए मैट का विकल्प हटा दिया गया। उन्हें एडवांस टैक्स के रूप में न्यूनतम टैक्स नहीं देने होंगे। शेयर बाजार वालों को भी राहत दी गई है। अब कंपनियों या ट्रस्टों के शेयर बेचने पे जो कैपिटल गेन होगा उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। विदेशी निवेशक को शेयर बेचने पर कैपिटल गेन्स होगा, उस पर भी सरचार्ज नहीं लगेगा। जो कंपनियां अपना शेयर वापस खरीदेंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। कंपनियों को एक और छूट मिली है। सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड का 2% अब कंपनियां सरकारी अस्पतालों में इंक्यूबेटर लगाने में खर्च कर सकती हैं, जिसमें बच्चे को रखा जाता है, नवजात शिशु को। सरकारी यूनिवर्सिटी में भी कंपनियां पैसा लगा सकेंगी। फिस्कल ईयर 2019-20 व्हिच अलाउज एनी डोमेस्टिक कंपनी एन ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22% सब्जेक्ट टू कंडीशन that they will not avail any exemptions or incentives. The effective tax rate for these companies shall be 25.17%, inclusive of all surcharges and cess. इस फैसले पर बाजार काफी खुश है। 10 साल में शेयर बाजार एक दिन में इतना नहीं उछला था। करीब 2000 अंकों का उछाल आ गया। बाजार में निवेशकों को 7 लाख करोड़ पैसे आ गए। 2015 में वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने कहा था कि आने वाले 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर दिया जाएगा। वो हो गया। पहले कंपनियों को 34% से अधिक टैक्स देने पड़ते थे, अब 25% ही देने होंगे। फिक्की, सीआईआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसओचैम और ऑटोमोबाइल सेक्टर के संगठन श्याम ने भी स्वागत किया है। कॉरपोरेट टैक्स कट जो निर्मला सीतारामन जी ने आज हमें कहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि इस टैक्स कट से इंडिया इंक को बहुत ही फायदा है। आपने तो देखा है कि कैपिटल मार्केट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा नतीजा हुआ है। आपने देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स दो बहुत ही अच्छी तरह बढ़े हैं आज के दिन को। और आपको ये भी महसूस होगा कि इस टैक्स कट से इंडिया इंक बहुत ही कंपेटिटिव होगा विश्व में, जहां की इकोनॉमिक स्लोडाउन महसूस होता है, लेकिन इंडिया अब
जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकती है. 7% जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल को तो अभी हम कॉन्फिडेंटली हम एड्रेस कर सकते हैं. और मैं ये भी सोचती हूँ कि $5 trillion इकोनॉमी जो हमें इरादा है वो भी हम अभी कॉन्फिडेंटली हम देख सकते हैं. यहाँ पर दिवंगत अरुण जेटली के पुराने भाषण का जिक्र जरूरी है. आज के फैसले से पहले रिटर्न फाइल करने वाली भारत की 7 लाख कंपनियों में से सिर्फ 7,000 कंपनियां ही 30% से अधिक का टैक्स दे रही थी. बाकी सभी को 25% के दायरे में लाया जा चुका था. 2017-18 के बजट भाषण में जेटली ने कहा था कि 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली 7,000 कंपनियां ही 30% से अधिक टैक्स दे रही हैं. बाकी उससे नीचे की 99% कंपनियां अब 25% के दायरे में आ गई हैं. 2016-17 के बजट में जेटली ने 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 25% कर दिया था. तब कहा था कि इस घोषणा से 99% सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की कंपनियों को लाभ मिलेगा. तब उन्होंने ये भी कहा था कि इससे 7,000 करोड़ का घाटा होगा राजस्व में सरकार को. उसके बाद 2017-18 के बजट में भी 50 करोड़ टर्नओवर वाली एमएसएमई कंपनियों का टैक्स घटाकर 25% कर दिया गया था. इस लिहाज से पूरा का पूरा एमएसएमई सेक्टर 25% टैक्स के दायरे में आ चुका है. 99% सेक्टर जो है वो आ चुका है, लेकिन सरकार की कुल कमाई में इनका हिस्सा बहुत ही कम है, इसलिए खास फर्क नहीं पड़ा. बड़ा हिस्सा तो उस 1% कॉरपोरेट से आता है जिसे आज 25% के दायरे में लाया गया. ये और बात है कि एमएसएमई को 25% कॉरपोरेट टैक्स का लाभ देने के 3 साल बाद भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला. वो सेक्टर भी चरमरा रहा है, संकट में फंसा हुआ है. आज जिस तरह से कंपनियों का टैक्स दर कम किया गया है, ये सरकार के द्वारा उठाया हुआ सबसे दमदार कदम है, काफ़ी दमदार है. शायद इसका असर तुरंत नहीं दिखे, लेकिन इसका असर होगा. इसके 2-3 बड़े फायदे हैं. एक बड़ा फायदा ये है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाएगा और हमारी कंपनियां कॉम्पिटिटिव हो पाएंगी. हम अभी भारत में किसी को कहना कि आप आके यहाँ कारोबार कीजिए और यहाँ पे हम आपसे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया करेंगे, तो ये बात कुछ बनती नहीं थी. दूसरा, अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है जिसका कि हमें खासा फ़ायदा तुरंत हो जाए, तो भारतीय कंपनियों का कॉम्पिटिटिव होना, कंपनियों का मुनाफा बढ़ना, और कंपनियों का मुनाफा बढ़ने का एक दूसरा नतीजा होगा कि अभी जो छोटी मोटी कंपनियां, इसकी वजह से उनके पास मार्जिन बढ़ जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा. वो लोग अभी इनवर्ड हो गए हैं, अभी सोच रहे हैं कि कैसे कम किया जाए, कैसे खर्चा कम किया जाए, कैसे लोग कम किए जाएं. हो सकता है बहुत सारी कंपनी आप सोचने लग जाएंगे कि अब काम कैसे बढ़ाया जाए, और उस शायद उसमें समय लगे, लेकिन इसका तुरंत नतीजा नहीं दिखे शायद. और ये एक मीडियम टर्म स्टेप है, 1-2 साल लग जाएगा इसका असर दिखते हुए. और खासकर जो छूट दी गई है नए कारोबार को सेटअप करने के लिए, नए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को करने के लिए, और वो जो टैक्स दर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है. तो मुझे लगता है कि इसका असर तो जरूर होगा. और एक चीज़ जो कि अभी जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं कि जो स्लो डाउन है, जिस तरह की मंदी देखी जा रही है या जिसकी चर्चा हो रही है, और कुछ खबरें भी आ रही हैं, हम लोग कुछ एनेक्डोटल चीज़ भी देख रहे हैं कि बिस्किट कम बिक रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गाड़ियों का सेल गया है, उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए हमें तुरंत कुछ करना चाहिए. पर इस कदम से, इतने बड़े कदम से लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ ये रोज इस इंटरवीन करने वाला मामला है, वो करना जरूरी है. वो कैसे किक स्टार्ट होगा हम ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कदम उठाते रहने ये दर्शाता है कि ये सरकार बात सुन रही है और बड़े कदम उठाने का बहुत बड़े कदम उठा सकती है. ये कॉरपोरेट सेक्टर का जो टैक्स में कटौती है तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उससे जो हमारी समस्या थी अर्थव्यवस्था में डिमांड की, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट है उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने वाला जब तक कि डिमांड नहीं बढ़ेगी. और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा. तो कॉरपोरेट सेक्टर का जो प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात है वो इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, पर जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप से नहीं बढ़ने वाला. दूसरा ये है कि सरकार सोचती है कि ये टैक्स में कटौती करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा जब उनको कि कोई मतलब जो प्रॉफिट दिखेगा. और अगर उनको दिखेगा कि ये डिमांड नहीं है
और प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है तो वो फिर आएगा भी नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ये सरकार ने जो पैकेज दिया है ये एक तरह से जल्दबाजी में दिया है और कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड को दिया है जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर को वो अपीज कर पाए। लेकिन समस्या इस समय यह है कि जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 1.45 लाख करोड़ जो दिया है ये अगर असंगठित क्षेत्र में दिया जाता तो उससे डिमांड बढ़ती, और जब डिमांड बढ़ती तो उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता और फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को उससे ज्यादा फायदा होता बनिस्पत इससे। 0% या नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है तो उसको पॉजिटिव में लाने की जरूरत है, तो वो उसका समाधान नहीं है। यहां पे ये बात सही है कि जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर का तो फिक्की खुश होगा, सीआईआई खुश होगा, और जो स्टॉक मार्केट है वहां पे खुशी दिखेगी क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उछाल आएगा। पर लेकिन बुनियादी समस्या जो है उसका हल ये नहीं है। उसका हल तो तभी आएगा जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था में जो गरीब आदमी है उसको परचेजिंग पावर देंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि जो समस्या शुरू हुई असंगठित क्षेत्र से वो समस्या हल हो, तब जाके अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो ये दोनों बातें हैं कि मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो तो बहुत ही खुश होगा, वो तो कहेगा कि ये तो अच्छा कदम है, लेकिन उससे समस्या नहीं हल होगी। और एक दो महीने बाद जब वो देखेगा कि उसके सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर वही वो पुरानी स्थिति में आ जाएगा कि वो कहेगा कि अभी अर्थव्यवस्था सुधार नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये तो बजट को अंडू करने वाली बात है कि हर हफ्ते आप कुछ ना कुछ अनाउंस करते रहिए, तो जो बजट में अनाउंस हुआ था जुलाई में उसको आपने अंडू कर दिया है, और चार महीने में एक दूसरा बजट आने वाला है उसकी अरिथमेटिक गड़बड़ा जाएगी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, आपका टैक्स कलेक्शन वैसे ही कमजोर था और टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, तो पिछले साल से भी मुझे लगता है हो सकता है कम हो जाए टैक्स कलेक्शन, तो अगले बजट में और भी ज्यादा समस्या आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इस समय ये एक तरह से पैनिक मोड में सरकार कर रही है कि उसको कुछ दिखाना है। दूसरी बात यह है कि कल मोदी साहब जा रहे हैं अमरीका, तो वहां पे वो दिखाना चाहते हैं कि एफडीआई और एफआईआई को कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो एक्शन है अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो कहीं जो प्रधानमंत्री की जो अमेरिका विजिट है उससे भी ताल्लुक रखता है। जून की तिमाही में विदेशी निवेशकों ने 4.5 लाख करोड़ भारत से वापस खींच लिया अपना पैसा। 1999 के बाद किसी एक तिमाही में इतना पैसा बाहर गया है। विदेशी निवेश पिछले एक दशक में सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है। क्या इसमें कोई तेजी आएगी? आज पहला दिन है, फैसले का दिन है, इंतजार करना होगा। आपको पूजा मेहरा का रिसर्च याद होगा जो हिंदू अखबार में अगस्त के महीने में छपी थी। पूजा ने अपनी रिपोर्ट छापी थी। पूजा ने सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन से बताया था कि नोटबंदी के अगले साल 2017-18 में कॉरपोरेट का कुल निवेश 60% कम हो गया था। 60%, 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश था नोटबंदी के से पहले, लेकिन नोटबंदी के बाद वो सीधा घटकर 4 लाख करोड़ पर आ जाता है। क्या अब निवेश बढ़ेगा? बहुत जल्दी तो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ समय के बाद निवेश बढ़ने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। आर्थिक मंदी क्यों हो रही है? लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये क्षमता घट रही है। जब तक सरकार निवेश करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर नई नौकरियों की सृष्टि नहीं करेगी, लोगों के हाथ में पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक देश के अंदर मांग नहीं बढ़ेगा। बिना मांग बढ़े कितने भी कंसेशन आप दे दीजिए आपके कॉरपोरेट्स को, वो उसके आधार पर वो निवेश भी करें, वो निवेश से जो भी उत्पादन होगा उसका खरीदने वाला कौन है? लोगों के पास तो पैसे नहीं है ना, विदेश में आप बेच सकते हो क्योंकि दुनिया के अंदर एक आर्थिक मंदी की हालत पैदा हुई है और विदेशी व्यापार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर घटा है। टैक्स रेट काफी ऊपर चला गया है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारे उसमें एग्जेम्पशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, और ये बहुत काम देता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, कैसे टैक्स रेट कम किया जाए। तो टैक्स रेट हाई होते हुए भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स बहुत खर्चा करके ऐसे कंसल्टेंट्स यूज करके कम टैक्स रेट पे देते थे। तो ये कई साल से एक्सपर्ट्स ने कह रहे हैं, भारत में भी और विदेश में भी, कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, इसको सिंपल कर दो, टैक्स रेट कम कर दो और किसी को कुछ एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस अलाउ मत करो। तो वही जो इंडिया ने आज किया है ये ऐतिहासिक है, इसको हर जगह स्वागत की जा रही है, सिर्फ हमारे कॉरपोरेट्स के द्वारा नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट के द्वारा नहीं,
सारे दुनिया में इसको अभी स्वागत किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा किया गया लेटेस्ट निर्णय जिसमें 1,45,000 करोड़ की छूट कॉरपोरेट जगत को दी गई है, वो एक ऐसा निर्णय है जो केवल डगमगाते सेंसेक्स इंडेक्स को बचाने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी देश को बताएं कि ये पैसे की भरपाई 1,45,000 करोड़ के वित्तीय घाटे की भरपाई कहां से होगी? क्या इसके लिए एक बार फिर तनख्वाह लेने वाले व्यक्तियों, मध्यम वर्ग के लोगों, गरीब किसान, छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायियों पर पेट्रोल, डीजल, बिजली और दूसरी वस्तुएं की, रोजमर्रा की वस्तुओं के भाव बढ़ाकर और टैक्स लगाकर किया जाएगा, या फिर देश की मुनाफे वाली पीएसयू का खून निचोड़कर किया जाएगा एलआईसी जैसी? जाहिर है अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। बात रोजगार की हो रही थी, मांग की हो रही थी कि लोगों के पास पैसे नहीं है। इस फैसले से कॉरपोरेट को लाभ तो मिल गया, लेकिन लोगों को क्या मिला, कब मिलेगा? उनके पास मांग बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या कॉरपोरेट टैक्स में जो कमी आएगी उसका लाभ सैलरी में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा? कुछ हम लोग भी उम्मीद रखें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा का विश्लेषण कर हिंदुस्तान टाइम्स के विनीत सचदेव ने 22 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के साल में प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10 साल में सबसे कम सैलरी बढ़ी। सैलरी में औसत वृद्धि 6% और 9% की ही रही। अगर मुद्रा स्फीति से एडजस्ट करें तो सैलरी में वृद्धि 1% भी नहीं होती है, आधी प्रतिशत के आसपास हुई। विश्लेषण में शामिल 3,353 कंपनियों में 83 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 7 साल में पहली बार बिक्री राजस्व में सैलरी का हिस्सा घटा है। मांग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कॉरपोरेट अपने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाएं, लेकिन उन पर दबाव निवेश बढ़ाने का है कॉरपोरेट पर, ताकि नया रोजगार भी पैदा हो। सैलरी पर क्या असर पड़ेगा इस पर ठोस रूप से कहना मुश्किल है, सपना देखा जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या सरकार कॉरपोरेट का टैक्स घटाने के बाद आम लोगों के लिए भी इनकम टैक्स में राहत देगी? अगले शुक्रवार का इंतजार कीजिए। 2007-08 में मंदी आई थी, तब मनमोहन सिंह सरकार ने उद्योग जगत के लिए बहुत सारे पैकेज दिए। उसका क्या रिजल्ट निकला, कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं है, जबकि वो जनता का पैसा था। इस बार कॉरपोरेट टैक्स के रूप में पैकेज दिया जा रहा है घटाकर। कर्ज के लिए भी वित्त मंत्रालय ने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। क्या सरकार वित्तीय घाटे की चिंता छोड़ने के लिए तैयार हो गई है? 2015 में 4.1% वित्तीय घाटा हो गया था और सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2020 तक 3.3% तक ले आना है। कहा जा रहा है कि 1,45,000 करोड़ का राजस्व छोड़ने से वित्तीय घाटा 4% तक जा सकता है। तो क्या सरकार अपना खर्च घटाएगी? उसकी योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा? गांव में पहले से ही मांग काफी कम हो गई है, अगर उसकी योजनाएं नहीं पहुंची तो गांव में क्या असर होगा? लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। बहरहाल सरकार ने जोखिम भरा साहसिक फैसला लिया है, जिसका कॉरपोरेट और शेयर बाजार में स्वागत हो रहा है। 1% जो कंपनियां हैं, जो सबसे ज्यादा मुनाफा और बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए यह फैसला है। स्वागत में इसे 130 करोड़ भारतवासियों के लिए बताया जा रहा है। अब कॉरपोरेट को दिखाना होगा कि वह इस छूट का लाभ किस तरह से सरकार और आम आदमी को दे रहा है। शुक्रवार यानी 20 सितंबर को दुनिया के 150 से अधिक देशों के स्कूल के बच्चों ने जलवायु संकट को लेकर मार्च किया। भारत के भी कई शहरों में मार्च निकाला गया, अयोध्या, आगरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, अलीगढ़, अल्मोड़ा, बस्ती, चित्रकूट, दुर्गापुर, गोरखपुर, इच्छापुर, झांसी, कानपुर, मधुबनी, मुरादाबाद में भी स्कूली बच्चों ने जलवायु संकट से बचने के लिए, मांग उठाने के लिए प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना है कि अब कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, धरती ही है और इसे बचाने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 0 लाना होगा, पूरा करना होगा।
स्वीडन की ग्रेता तुनबर ने कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर से प्रभावित होकर यह आंदोलन दुनिया भर में फैल गया है। इस प्रदर्शन में शामिल बैनर पोस्टर पर लिखे नारे पढ़ने लायक हैं। जिन बच्चों ने इस रैली में हिस्सा लिया है वो इतिहास बना गए। आखिर जेल का गृह मंत्रालय से कोई नाता तो नहीं है? इस वक्त भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जेल में हैं। इस वक्त भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी भी जेल में हैं। बीजेपी नेता चिन्मयानंद को आज गिरफ्तार किया गया। चिन्मयानंद ने बलात्कार के आरोप के अलावा सारे आरोप स्वीकार कर लिए। एसआईटी से कहा कि अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। एसआईटी ने बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया है। दूसरी तरफ आरोप लगाने वाली पीड़िता और कानून की छात्रा पर फिरौती मांगने का मामला दर्ज हुआ है। फिरौती मांगने की कोशिश के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चिन्मयानंद अगले 14 दिनों तक जेल में रहेंगे। स्वामी चिन्मयानंद को आखिरकार एसआईटी ने उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। उनका मेडिकल कराया गया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। एसआईटी कहती है कि उन्होंने रेप के अलावा बाकी सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। स्वामी ने लगभग वो सारी चीजें स्वीकार ली हैं जो आरोप लगे हैं, और जैसे उन्होंने अपनी मौजूदगी स्वीकारी, उन्होंने अश्लील बातचीत करना स्वीकारा, उन्होंने बॉडी मसाज करना स्वीकारा, यहां तक उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। चिन्मयानंद पे रेप के बजाय आईपीसी की दफा 376 सी में केस दर्ज हुआ है, जिसमें उनके ऊपर उनके लॉ कॉलेज में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर लड़की को फुसला के जिस्मानी रिश्ते बनाने का आरोप है। चिन्मयानंद पे इल्जाम लगाने वाली लड़की लॉ स्टूडेंट इससे नाखुश है। जब मैं यहाँ पे एसआईटी के सामने अपना 161 स्टेटमेंट देने गई थी, मैंने उसी दिन बता दिया था कि मेरे साथ रेप हुआ है, किस तरीके से हुआ है, सब कुछ बताया था। उसके बावजूद चिन्मयानंद पर 376 नहीं लगाई गई। जिस चीज का डर था वही हुआ। एसआईटी कहती है कि चिन्मयानंद लड़की से रेप करने के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज करने से कोई आरोप साबित नहीं होता, लेकिन एसआईटी ने रेप की एफआईआर क्यों नहीं की ये साफ नहीं है। ये रेप की जो एलिगेशन है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया? डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उसको लीड करते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूं, दिस इज मोर देन एनफ। चिन्मयानंद को 5 करोड़ की फिरौती के लिए ब्लैकमेल करने के इल्जाम में एसआईटी ने आरोप लगाने वाली लड़की और उसके 3 साथियों संजय सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सेंगर पे भी मुकदमा दर्ज किया है। 3 साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन लड़की की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जो एक वीडियो थी जिसमें ये चारों मिस ए और उनके 3 साथी कार में घूम रहे हैं और डिफरेंट लोकेशंस में जा रहे हैं, वहाँ इन्होंने जो बातचीत की है, फिर एक होटल में उनके रुकने का वीडियो है, इसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उस बातचीत को उन्हें सुनाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से 5 करोड़ रुपए बाबा से मांगने की बात थी। इस बात को भी उन्होंने स्वीकारा है कि ये वीडियो भी उनके खुद के हैं। चिन्मयानंद पे इस तरह के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं, लेकिन कभी भी ये साबित नहीं हुआ है। पहली बार ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि एसआईटी कह रही है कि चिन्मयानंद ने ज़्यादातर आरोप कबूल कर लिए हैं, लेकिन रेप का मुकदमा दर्ज नहीं होने से अभी भी लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। शाहजहांपुर में अंकित जौहर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्या आपको डॉक्टर पंकज नारंग की याद है? दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक भीड़ ने डॉक्टर नारंग को उनके घर के सामने पीट पीट कर मार डाला। ये 23 मार्च 2016 की बात है। डॉक्टर नारंग का बेटा क्रिकेट खेल रहा था, गेंद लाने घर से बाहर निकला और एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। मोटरसाइकिल वालों से डॉक्टर साहब की बहस हुई। डॉक्टर साहब को उन्होंने देख लेने की धमकी दी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, फोन नहीं लगा। खुद बाहर देखने गए कि पुलिस की वैन मिल जाए, नहीं मिली। घर लौटे तो एक भीड़ उनके घर पर पथराव कर रही थी। उस भीड़ ने इनको मारना शुरू किया, बुरी तरह मारा। पत्नी बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन किसी पड़ोसी ने हिम्मत नहीं की कि वो उनको बचाने आए। अस्पताल ले जाते डॉक्टर नारंग की मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की कहानियां खत्म नहीं शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद मीडिया पर उन लोगों की मॉब लिंचिंग चल पड़ी जो इसे एक अपराध की तरह देख रहे थे, इसमें जबरन सांप्रदायिक पहलू नहीं देख रहे थे। इस भीड़ ने आरोप लगाया कि खुद को सेक्युलर मानने वाला मीडिया
इसकी खबर नहीं ले रहा है। सच्चाई क्या थी? यह सच है कि इस मामले में जिन 5 आरोपियों के नाम आए उनमें नसीर, मैसर, आमिर, अमीर और गोपाल के नाम थे। 4 आरोपी नाबालिग थे, इसलिए उनके नाम नहीं लिए गए। लेकिन सोशल मीडिया में एक हिस्से ने मान लिया कि सब के सब मुस्लिम थे और बांग्लादेशी थे। दिल्ली के माहौल में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश को रोका वो एक महिला थी, एक पुलिस अफसर मोनिका भारद्वाज, दिल्ली वेस्ट की एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर। उन्होंने ट्वीट किया तुरंत कि 9 आरोपी लोगों में 5 हिंदू हैं। पहली बार जिन 2 लोगों ने झगड़ा किया उनमें एक हिंदू था, जो मुस्लिम आरोपी है वो यूपी का है, बांग्लादेश का नहीं। बेशक इस ट्वीट का असर हुआ, तारिक फतेह जैसे लोगों ने इसके बाद अपने ट्वीट वापस लिए। दिल्ली सरकार ने मोनिका भारद्वाज को बधाई दी। मॉब लिंचिंग की घटना कई रूपों में हमारे सामने आ चुकी है। बिहार में 2.5 महीने में लिंचिंग की 39 घटना दर्ज हुई है, 39, 14 लोगों की मौत हुई है और 45 घायल हुए हैं। ये सभी लिंचिंग बच्चा चोरी की अफवाह के असर में हुई है और हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। डॉक्टर पंकज नारंग की मौत को बस इसलिए हल्के से नहीं लिया जा सकता कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। वो इस देश के एक नागरिक थे, देश की पुलिस जिनकी रक्षा नहीं कर सकी। लेकिन इस हिंसा से ज्यादा खतरनाक इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने का खेल है। जो लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि दादरी के अखलाक की हत्या में असहनशीलता देखने वाले डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या में ये देखने को तैयार नहीं है, वो दरअसल इस देश की नागरिकता को खाने में बांट रहे हैं। अखलाक की हत्या उनकी धार्मिक पहचान की वजह से हुई थी। उन्हें इस संदेह में घर से निकाल कर मारा गया कि उन्होंने कथित रूप से गोमांस का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या उनकी धार्मिक पहचान की वजह से नहीं हुई। फिर कह रहा हूं कि तब भी यह निंदनीय है, लेकिन इस हत्या को लेकर राजनीति करने वाले ज्यादा निंदनीय हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भीड़ ने इसी धार्मिकता की सनक ने मारा था। और कौन लोग ये काम कर रहे थे जिन्होंने बाद में झारखंड में मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाई, जिन्होंने यूपी में एक इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत किया? 3 साल बाद हम ये कहानी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमने डॉक्टर पंकज नारंग की पत्नी से बात की है, उस महिला से जिसकी आंख के सामने भीड़ ने उसके पति को मारा। उस मारपीट के ब्यौरे सिहरा देने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर नारंग की पत्नी 3 साल बाद कुछ उदास भले हैं, कटुता से भरी हुई नहीं है। उनको मालूम है कि एक भीड़ ने उनके पति की हत्या की, दूसरी भीड़ ने उनके पति की हत्या पर राजनीति करने की कोशिश की। कुछ समय पहले सुशील महापात्रा हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। मैम, 3 साल पहले ये डॉक्टर नारंग जी को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया गया था और कम से कम 12 लोग जो है हमला किए थे, लेकिन इन तीन सालों में क्या कुछ हुआ है? क्या इस केस में जो लोग पकड़े गए थे उनको सजा हुई है? जी, अभी तक सजा कुछ नहीं हुई है। केस स्टार्ट हुआ था आई थिंक अगस्त 2016 में, उसके बाद से अब तक प्रोसिक्यूशनल एविडेंस, पहले चार्ज प्रूफ किए गए, फिर प्रोसिक्यूशनल एविडेंसिंग स्टेज पे था, बीच में फास्ट ट्रैक पायलट कोर्ट में भी गया था केस, लेकिन बहुत स्लो पेस्ड है, तो अभी तक प्रोसिक्यूशनल एविडेंसिंग पे ही चल रहा है। हम उस वक्त सुने कि दिल्ली सरकार भी मदद करने के लिए कही थी, शायद आपको नौकरी देने की बात कही थी और नौकरी भी दी थी, लेकिन इसका बाद कोई नेता क्या आपसे मिलने आए कोई मदद करने के लिए? ये 3 सालों में क्या आप नॉर्मल हो पाई है? नॉर्मल तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम जिंदगी भर कभी हो पाएंगे, पर उसके बाद किसी ने आगे नहीं बढ़ा कोई भी। डॉक्टर पंकज नारंग जी को मार दिया गया था, उस समय भी इसको लेकर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया था। पहले तो ये कहा गया कि रोडेज भी हो सकता है, तो आज भी आप क्या घबरा जाती है जब ऐसे केस होते हैं समाज में? बिल्कुल घबराती हूँ। आज भी हमारे सामने आई कैन स्टिल हेयर वॉइसेस, अभी भी मुझे वो आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। और जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो उनके बारे में जो जिसका हुआ है उससे पहले हमें अपना याद आ जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। एक आई डोंट थिंक शायद एक दिन भी ऐसा गया हो कि जब मम्मी ना रोई हो, जब तक जब इन्होंने सब कुछ ना याद किया हो। जब कोर्ट में भी हम जाते हैं तो हर डेट में, मैं अकेली जाती हूँ या शायद कभी कभार कोई कज़न चला जाता है, पर हर डेट में मैं उनको देखती हूँ और मेरे सामने फिर से वही सब प्ले होता है, रीप्ले होता है। एक दिन भी हम जी तो अभी तक नहीं पाए, जीना नहीं सीख पाए, सिर्फ अपने आप को किसी तरह घसीट रहे हो क्योंकि बेटा मेरा छोटा। और ही हैज टू कम टू
his senses. ये जो आपकी लॉस है वो तो भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और उसे कोई तो पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन आपको जितनी मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे सरकार की तरफ से हो, क्या उतना मिली, कोई मतलब आपको लगा? देखिए, शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया. नौकरी दी थी मुझे पहले, उन्होंने बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, फिर केजरीवाल जी की तरफ से, तो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं चाहिए, परमानेंट पोस्ट चाहिए मुझे मेडिकल ऑफिसर की. तो देन दे ऑफर्ड मी, केजरीवाल जी ने ऑफर किया था वो पोस्ट, वो तो मैंने ले लिया, लेकिन 1 लाख रुपए की नौकरी से, नॉट इवन मान लाए, उससे घर तो नहीं चल सकता, बेटे का फ्यूचर तो नहीं बन सकता. इसके बाद कोई और दूसरे लोग नहीं आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं. आज पिछले 3 सालों से आपने देखे होंगे, मीडिया की बात की और हम लोग करें, उस समय में काफ़ी कुछ हमने देखा, लोगों ने छापे, लेकिन 3 सालों में कोई आपके केस को फॉलो नहीं किया, कोई ये आकर दिखाने की कोशिश नहीं किया कि इन 3 सालों में आप लोग कितने सफर कर रहे हैं. किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, और आज कोई करेगा भी क्यों? किसी को जब कुछ फर्क नहीं पड़ता तो फिर कोई क्यों फॉलो करने की कोशिश करेगा? जैसे आप केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिसके परिवार से जो चले जाता है लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं इसको क्रिमिनल एंगल दे देते हैं. आज दूसरे केस में भी ऐसे हो रहे हैं, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे पूरी लोगों को जो ऐसा करते रहते हैं? देखिए, कम्युनल या नॉन कम्युनल जो भी है, जिस जो भी ये सब करता है, जो किसी को कोई हक नहीं है दूसरे की लाइफ लेने का, और सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, उन्होंने तो हमारा परिवार ख़त्म कर दिया. हम लोग बस सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन जिंदा नहीं है हम. वापस वो अपने पैरों तक उठ खड़े भी नहीं हो पाए. आज 3 साल हो गए, 3 साल में आज तक मुझे, हम तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाए, खुद मेरा बेटा भी नॉर्मल नहीं हो पाया. मतलब वो आज भी अगर कहीं हम बाहर जाते हैं, मॉल में जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वो दूसरों की पूरी कंप्लीट फैमिली को देखता है ना, तो वो उदास हो जाता है. कभी मुँह से नहीं कहता, इज़ अ वेरी सेंसिबल चाइल्ड, बट मुँह से कभी नहीं बोलेगा कि मुझे बुरा लग रहा है. कभी जब बहुत परेशान होगा तब वो बोलता है कि पापा होते तो हम ऐसा करते. तो वो अब वो पापा होते वाला जो सवाल है ना, तो वो अब जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रह गया. जब एक केस हुआ था, शायद उस वक्त कहा गया था कि 3 साल के अंदर, आप कह रही थी कि इसका जजमेंट आ जाएगी और जो लोग मारे हैं, जो लोग दोषी है, उनको सजा मिलेगी, लेकिन 3 साल में लगता है कुछ हुआ नहीं. जी, शुरुआत में तो पायलट कोर्ट में था, फास्ट ट्रैक पे था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी डेट पड़ती थी. तो लेकिन अब तो वो भी स्पीड इतनी स्लो हो गई है, 2 महीने में एक बार डेट मतलब पड़ती है इसकी, तो काफ़ी स्लो पेस है. 3 साल तो हो ही गए हैं, और 3 साल भी बीत जाएं तब भी मुझे लगता नहीं है कि जजमेंट आ पाएगी. इट इज़ बीइंग ड्रैगिंग फॉर सो लॉन्ग, जिस तरह से इसका पेस चल रहा है. अच्छा, तो उतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है. ठीक है, थैंक यू. लगता नहीं है कि इतनी जल्दी खत्म.